हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, बाहर से लाके हम लोग मलाई चाप बहुत खाते हैं और घर में सब बहुत ही पसंद करते हैं, तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बनाएंगे घर में बहुत ही टेस्टी मलाई चाप, जो देखते ही आ रहा होगा मुंह में पानी, तो मुंह में पानी की लाने की ज़रूरत नहीं है। बनाना शुरू करते हैं मलाई चाप। ये देखिए, प्लेट्स हमारी तैयार हो चुकी है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिया आधा किलो मलाई चाप, जिस पर 6 पीसेज आए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसकी हम डंडी निकाल के साइड में रख देंगे सबसे पहले, और इसकी कर लेंगे हम कटिंग। थोड़ी बहुत छोटी बड़ी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखिए मैंने किस तरीके से कटिंग की है इसकी। सारी कटिंग करके हम रख लेंगे इसको साइड में, और कढ़ाई में रख देंगे तेल गैस पर गर्म होने अच्छे से। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। एक बार में जितनी भी चाप आती हैं आप कढ़ाई में डाल दीजिए और उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे। बहुत तेज पे फ्राई करोगे तो ये बाहर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और बिल्कुल कम भी नहीं करनी गैस, उससे क्या होगा तेल भर जाता है चाप के अंदर। तो देखिए कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और चाप हमारी बहुत ही क्रिस्पी तरीके से फ्राई हो चुकी है। चाप हमने सारी निकाल ली है। अब देखिए हमें इसके लिए मसालों में क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए क्रीम, जो कि मैंने लाकर रख रखी है, अमूल की क्रीम है ये। दही ले लिया एक कप भर के, जो कि बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 प्याज हैं जिसे हमने मोटा मोटा कट कर लिया है, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डाल दिया मैंने मक्खन, इसी में ऐड कर देंगे हम घी, तेल रिफाइंड जिसमें भी आप बना रहे हो। तो 1.5 चम्मच ले लिया है मैंने ऑयल, इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे। देखिए मैं प्याज आपको एक कट करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से मोटी मोटी प्याज मलाई चाप में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्याज के 4 पीसेस करके इस तरीके से प्याज मैंने सारी निकाल ली है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी हमें प्याज। और ये ले लिया हमने मसाले। तो सबसे पहले हमने जो हरी मिर्च हरा धनिया थी उसमें 1 चम्मच भर के फ्रेश दूध की मलाई ऐड की है, जो कि हर किसी के घर में होती है ये। और जो 1 कप दही लिया था हमने, वो डाल दिया इसके अंदर सारा, उसका बना लिया एक फाइन पेस्ट। तो देखिए इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था, और अब इसमें ही ऐड कर देंगे हम मसाले सारे जो मैंने दिखाए थे आपको। आप देख सकते हैं मसाले बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं मैंने, सिर्फ इन्हीं मसालों से बहुत ही टेस्टी मलाई चाप बनकर तैयार होगी हमारी। तो देखिए मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम मिक्सी के जार को धो के, जिसमें हमने मसाला पीसा था। तो देखिए अब इसे अच्छे से पकने देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ढककर पका लेंगे इसको हम, ऑयल इसमें ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सारी चाप, और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ढककर पका लेंगे, ताकि जो भी मसाले हमने ऐड किए वो चाप के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएँ। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, इस तरीके से मलाई चाप आप घर में बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बना सकते हो। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है ये चाप, बहुत ही टेस्टी लगती है। ऊपर से डाल दिए मैंने थोड़ी सी मलाई, सॉरी फ्रेश क्रीम डाली है मैंने अमूल की, आप देख सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 1 मिनट के लिए फिर से हम ढककर रख देंगे इसको क्रीम डालने के बाद। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर और टेक्स्चर इसमें आ चुका है, और ढकने के बाद थोड़ा सा और आ जाएगा। ये देखिए आया ना कितना बढ़िया कलर और टेक्स्चर, लग रही है ना बिल्कुल बाहर से लाई हुई चाप। तो बाहर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर में बना सकते हो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम अमूल क्रीम फिर से गार्निशिंग के लिए, इससे क्या होगा देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने लगा दी एक थाली खाने के लिए, लग रही है ना बिल्कुल 300-400 रुपये वाली थाली जो बाहर मिलती है। तो 300-400 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, घर में चाप लाइए, बहुत ही कम पैसों में मलाई चाप बनाइए। ये देखिए मैं तो चली खाने और आप जाओ बनाने, मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ। देखते ही मुंह में पानी आने वाली रेसिपी है ये, तो इसको ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, और मुझे कमेंट में बताना कि आपकी मलाई चाप कैसी बनी। बाय बाय, टेक केयर।